कर रहे हैं। सर, डू यू बिलीव योर कंटिन्यूड इलेक्टोरल सक्सेस इज लार्जली सपोर्टेड बाय वुमेन वोटर्स? मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ, मैं व्यक्तिगत जीवन में फील करता हूँ कि मुझ पर देश की मातृशक्ति का बहुत आशीर्वाद रहा है। मैं तो मेरा सुरक्षा कवच भी मेरी माताओं बहनों को मानता हूँ, और जो भाव भक्ति से माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देती हैं, वो उससे बड़ी क्या शक्ति हो सकती है। और मैं भी इस मत का हूं कि समाज की समृद्धि का मूल मानदंड है वहां की नारी शक्ति का सशक्तिकरण, वही उसका रास्ता है। और इसलिए मैंने एक आर्थिक दृष्टि से भी इसका महत्व देखा। अब आपको एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन करना है तो आपको पहले उनकी जो छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो डिपेंडेंट है उसमें से उनको मुक्त करना चाहिए। आप हैरान थे, हमारी माताएं बहनों के पास शौचालय नहीं था, चूल्हा गैस के लिए बड़े बड़े सिफारिश लानी पड़ती थी, गरीब के पास घर नहीं था। इन सारी चीजों को अब मैंने एक कदम आगे उठाया, एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि भाई ये महिलाएं सिर्फ पापड़ बनाएगी या अचार बनाएगी, क्या इससे बाहर नहीं है? मैंने अभी उनको ड्रोन पायलट बनाने शुरू किया, इतना एक्सपीरियंस मेरा पॉजिटिव है, और इतनी बहुत अच्छे तरीके से वो किसानी की मदद कर रहे हैं और कमाई भी कर रहे हैं। मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का, पहले मैंने ट्रायल किया, 1 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन वो तो छूट 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 था। अब मैं ऑर्गेनाइज वे में उस पर काम करने वाला हूँ, और इस बार हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा। यानी ये लखपति दीदी वो गांव में छोटे मोटे काम करते हैं उन लोगों में से है, यानी एक प्रकार से भारत की इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। मुद्रा योजना में 70% उसके जो बेनिफिशियरी हैं वे विमेन हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी एक ताकत बढ़ी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैंने पैसा ज्यादा देना तय कर दिया, बिना गारंटी देते हैं। और मेरा आनंद ये है कि कोई एनपीए नहीं होता है, जितना लोन लेते हैं समय के पहले दे के जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर नई पार्लियामेंट बनी तो मेरे मन में था नई पार्लियामेंट में पहला काम कौन सा करूँ, तो मेरे मन में स्वाभाविक मेरे देश की माताएं बहने आई, और भारत की संसद ने सर्वसम्मति से पहला कानून पास किया, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं के लिए आरक्षण का काम किया। तो मैंने नए संसद के भवन को भी देश की नारी शक्ति को समर्पित करते हुए प्रारंभ किया। तो मैं बाकी तो आप देखिए, सेना के अंदर आज हमारी बेटियां हैं, खेलकूद में हमारी बेटियां हैं, साइंटिफिक फील्ड में हमारी बेटियां हैं, चंद्रयान की बात हो, और इसलिए मैंने वहां नाम भी क्या रखा, शिव शक्ति, जहां हमारा चंद्रयान लैंड किया शिव शक्ति। तो मेरा मेरे मेरे जो भाव विश्व है उसका प्रगतिकरण हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से होता है, उसमें मेरा जो मातृशक्ति के प्रति मेरा श्रद्धा भाव है वो तो प्रकट हो